despierto. तो दोस्तों फिर में जिस तरह कंपटीशन स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस अभी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगे कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ सभी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फाउंड यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइड मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो आप भी एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइड मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। देखो और जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में आपको फोटो ऐड करना होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारा आपको बीट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना होगा। और देखो थोड़ा आगे आ जाना तो यहाँ पर देखो लिरिक्स में पहले से ऐड करके रखा हूँ, खाली आपको ये फोन ऐड करना होगा। तो फोन को ऐड कर लेना, नहीं तो कोई भी फोन आप ऐड कर सकते हो। ये वाला फोन छोड़ भी सकते हो, मतलब अगर चाहो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फोन आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप अपने पसंद की फोन ऐड करना चाहते हो ये लेयर में तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में भी आपको फोटो ऐड करना पड़ेगा। और देखो लिरिक्स में मैं पहले से इफेक्ट देकर रखा हूँ, तो लिरिक्स में आपको अलग तरीके से इफेक्ट देना नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो देखो इफेक्ट नंबर जो मैं देकर रखा हूँ, देखो यहाँ पर जितने सारे बीट है, ये बीट में जो फोटो ऐड करोगे ये बीट में वन नंबर इफेक्ट को देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जितने सारे बीट है, इसमें जो फोटो ऐड करोगे इसमें टू नंबर इफेक्ट को देना होगा। और यहाँ पर देखो जो फोटो है इसमें थ्री नंबर, और फिर से देखो यहाँ पर वन नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो आगे आ जाना, आगे आने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में चार नंबर इफेक्ट देना होगा। और ये बीट में पाँच नंबर, इसमें चार नंबर, इसमें पाँच नंबर, इसमें चार नंबर, इसमें पाँच नंबर, और फिर से पाँच नंबर। तो ये इफेक्ट नंबर लेकर रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मतलब आपको आसान हो ये स्टेटस बनाने में, इसलिए मैं ये इफेक्ट नंबर देकर रखा हूँ। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले ये सभी लेयर को डिलीट कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर जो सेकंड बीट है, सेकंड बीट में आना पड़ेगा। और सेकंड बीट में आने के बाद आपको फोटो ऐड करना होगा। जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो ऐड कर लिया हूँ, तो आप भी एक फोटो ऐड कर लेना। उसके बाद ऊपर जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। उसके बाद अगला बीट में आ जाना, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। फिर से और एक फोटो ऐड कर लेना, उसके बाद ऊपर जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा, और फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो ऐसा करके यहाँ पर जितने सारे बीट है ये सब बीट में आपको फोटो ऐड करना होगा। और जहाँ ये लिरिक्स देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है, ये बीट में आपको फोटो ऐड करना नहीं होगा तीन बीट में। उसके बाद फिर से आगे आ जाना, तो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में भी फिर से फोटो को ऐड कर लेना। तो मैं सभी बीट में फोटो ऐड करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैं सभी बीट में फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो आप भी सभी बीट में फ़ोटो को ऐड कर लेना। और सभी बीट में फ़ोटो ऐड करना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो फोटो है इसमें इफेक्ट देना होगा। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए देखो यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर है, देखो ये इफेक्ट नंबर को फॉलो करके आपको इफेक्ट देना होगा। तो इफेक्ट देने के लिए देखो एक बार बैक हो जाना, और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। तो इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको टोटल फाइव इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो फाइव फोटो में। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट को कॉपी करना होगा। तो ये फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर को टच करना होगा और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है। इसमें आने के बाद देखो नीचे आ जाना सबसे नीचे। तो यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर है, ये इफेक्ट नंबर को फॉलो करके आपको ये फोटो में इफेक्ट देना होगा। तो देखो वन नंबर इफेक्ट को इतना दूर तक देना होगा, और फिर से यहाँ पर टू नंबर, यहाँ पर वन नंबर, और इसमें सॉरी यहाँ पर थ्री नंबर, और यहाँ पर वन नंबर। तो सबसे पहले वन नंबर इफेक्ट को देंगे, तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर उसको टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट को दे देना, और इफेक्ट देना हो जाने के बाद आगे आ जाना।
और आगे देखो यहाँ पर जो वन नंबर इफेक्ट है तो इसमें भी दे देना, और वन नंबर इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर टू नंबर इफेक्ट को देंगे, तो उसके लिए फिर से एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट पॉजिटिव में आ जाना। इसमें आने के बाद यहाँ पर जो टू नंबर इफेक्ट है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फ्लूड को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना फिर से, और ये पॉजिटिव में आ जाना। इसमें आने के बाद फिर से नीचे आ जाना और आगे आ जाना, तो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में टू नंबर इफेक्ट को देना होगा, तो फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फ्लूड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसे करके यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में टू नंबर इफेक्ट को दे देना, ऐसे करके देखो, और टू नंबर इफेक्ट देना हो जाने के बाद यहाँ पर जो बीट है ये बीट में थ्री नंबर इफेक्ट को दे देना, जैसे कि दिखाया हूँ ऐसे करके ये बीट में भी इफेक्ट को दे देना, और इसमें इफेक्ट देना हो जाने के बाद आगे आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में आपको सबसे पहला जो फोटो है देखो ये बीट में जो फोटो है ये फोटो में चार नंबर इफेक्ट को देना होगा, तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना और इफेक्ट पॉजिटिव में आ जाना। इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर जो चार नंबर इफेक्ट है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर को टच करके कॉपी इफेक्ट फिर से कर लेना, और दोबारा फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना और आगे आ जाना। तो आगे आने के बाद यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको चार नंबर इफेक्ट देना होगा, देखो थोड़ा जूम कर लेना तो यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में चार नंबर इफेक्ट देना होगा, तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, और इसमें जो देखो फोटो है ये फोटो में फाइव नंबर इफेक्ट देना होगा, तो इसमें फिर से फोर नंबर इफेक्ट दे देना, तो फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में टच करना और थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसे करके देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में चार नंबर इफेक्ट को दे देना ऐसे करके, और फाइव नंबर इफेक्ट को भी ऐसे करके दे देना, और इफेक्ट देना कम्प्लीट हो जाने के बाद आगे आ जाना, लास्ट ऑप्शन को टच करना, सेकेंड बीट में आपको आना होगा और ये वाला रेक्टेंगल को ऐड करेंगे, उसके बाद ऊपर में थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा और फिर कॉम्पोजिशन एरर को टच कर देना, उसके बाद आगे आ जाना, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, कलर ऑप्शन को टच करना होगा, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, और जो ब्लैक डॉट है इसको नीचे और जो वाइट डॉट है ऐसे करके रोटेट कर लेना, और रोटेट करने के बाद यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कर लेना, देखो इस तरह करके, और एक बार बैक हो जाना। देखो तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो फोटो में मतलब नीचे शैडो देखने को मिलेगा, और देखो यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर है इसको ऐसे करके बंद कर देना, देखो ऐसे करके वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले ऐसे करके बंद कर देना, देखो इस तरह करके, बंद कर देना, उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, फिर से आगे आ जाना और यहाँ पर एक पीएनजी बॉर्डर को ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद लास्ट में आपको आना होगा ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देखो कुछ इस तरह आपको ये स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब ये वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना।